अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो सब लोग अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालो, पेरिविंकल वाली बुक भी निकालो और पेज नंबर निकालो 25। पेज नंबर कौन सा निकालना है? 25। पेज नंबर 25 पे आपको क्या दिया है? राइट द गिवन नंबर इन ऑर्डर बाय काउंटिंग देम। आपको क्या करना है? काउंटिंग बैकवर्ड करना है। क्या करना है? काउंटिंग बैकवर्ड। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखो नंबर्स दिए है 1, 19, 25, 6 और 15। तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर्स लिखे उस तरह से आपको लिखने हैं, बैकवर्ड मतलब पीछे से, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बी में भी सेम दिया है 33, 14, 4, 49 और 22। तो आपको बैकवर्ड नंबर्स लिखने हैं, जिस तरह से मैंने लिखे उस तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पे, उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है आपको। स्किप काउंट एंड टूज एंड राइट डाउन द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे 18 नंबर दिया है। तो 18 के बाद दो नंबर बड़ा हो तो कितने नंबर आते हैं? 18, 19 के बाद कौन सा नंबर आता है? 20 के बाद 21 तो 22 के बाद 23 तो 24। दो दो नंबर बढ़ाते जाना है। यहाँ पे क्या? स्किप काउंट टूज बोलो दो, 18 के बाद 20 के बाद 22 के बाद 24 मतलब 18, 19 तो 20 आ गया। 18, 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22। इस तरह से दो दो नंबर आपको काउंट करते लिखते जाना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या दिया है? फिल इन द मिसिंग नंबर। फिल इन द मिसिंग नंबर्स आपको दिया है राइट बिफोर नंबर। तो यहाँ पे आपको बिफोर नंबर दिए हैं तो उसके आगे कौन से नंबर आएंगे वो आपको लिखने हैं। 27 है तो 26, 15 है तो 14, 3 है तो 2, 1 है तो 0, 4 है तो 39। ये हमारे बिफोर नंबर हो गए। राइट आफ्टर नंबर, तो यहाँ पे आफ्टर नंबर है। उसके बाद के कौन से नंबर आते हैं? 39 के बाद कौन सा नंबर आता है? 14, 16 के बाद 17, 29 के बाद 30, 8 के बाद 9 और 49 के बाद 15, ठीक है बच्चों। ये हमारे आफ्टर नंबर हो गए। उसके बाद के बिटवीन नंबर, बिटवीन नंबर मतलब बीच में जो नंबर आते हैं उसको बोलते हैं बिटवीन नंबर। तो 19 के बाद 20 तो 21, 42 के बाद 43 तो 44, 26 के बाद 27 तो 28, 37 के बाद 38 तो 39, 6 के बाद 7 तो 8। इस तरह से ये आपको बिफोर आफ्टर और बिटवीन नंबर लिखने, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग नंबर दैट नंबर नेम बाय ड्राइंग लाइन्स। यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं और यहाँ पे आपको उसके वर्ड्स दिए हैं, स्पेलिंग दिए है, तो आपको उसको मैच करने हैं। यहाँ पे 34 है तो स्पेलिंग 34 का क्या है? तो देखो यहाँ से मैंने 34 से लाइन ड्रॉ की है। 43 तो 43 पे, 12 है तो TWELVE 12, 21 तो TWENTY 20ONE, FORDY 40 और FIFTY 50। इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। चलो पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे आपको क्या दिया है? हाउ मैनी टेंस एंड हाउ मैनी वंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैंने ये आपको सिखाया था राइट बच्चों। तो 17 दिए है तो 1, 10, 9, 7, 1, 3, 4 and 4, 1, 4, 10, 9, 1, 26 है तो 2, 10, 6, 1, 4, 10, 0, 1, 11 है तो 1, 10, 1, 1। इस तरह से ये भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद दिया है राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। 3, 10, 3, 1 मतलब 3, 3, 33, ठीक है बच्चों। मैंने आपको सिखाया है ये राइट बच्चों। 1, 10 and 4, 1 मतलब 1, 4, 14, 2, 10 and 0, 1 मतलब 20, 4, 10 and 9, 1 मतलब 49, 3, 10 and 1 is equal to 31, 5, 10 and 1 is equal to 5, 10 and 1 is equal to 51, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये भी आपको कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपको नहीं करना है, सीधे 14 क्वेश्चन पे जाओ। पेज नंबर 13 ये कैंसिल कर दो, ये हम नहीं सीखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। व्हाट नंबर इज 1 more than 39? तो 39 से एक ऐड करो। 39 प्लस 1 कितना होता है? 40 मतलब 1 more than 39, एक से
एक उसमें ऐड करो तो कितना होता है, वन मोर देन 19। 19 है तो वन मोर करेगी तो कितना होगा 20, कितना होगा 20। वन मोर देन 49, 49 प्लस वन कितना होगा 50। वन मोर देन 29 तो 30। इस तरह से ये आपको ऐड करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके वेरी गुड। पेज नंबर 27 हम बाद में करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 28 पे चलो। पेज नंबर 28 पे आपको क्या दिया है, टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस आपको क्या दिया है, 49 एंड मोर देन 51। ठीक है बच्चों, 49 एंड वन मोर इज 50। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको 5 एंड 51 दिया है। क्या दिया है, 5 टेंस एंड वन। तो आपको क्या लिखना है, देखो 5 टेंस एंड वन मतलब 5 1 51। तो यहाँ पे आपको 51 लिखना है। 5 टेंस एंड टू, तो ये आपको मैंने सिखाया तो आपको अच्छे से आता है, तो यहाँ पे आपको 52 करना है। इस तरह से 51 से लेके 59 तक आपको ये फुल पेज कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे आपको क्या दिया है, राइट प्रैक्टिस 51 से 60 नंबर्स आपको लिखने हैं। पहले आपको इस तरह से ट्रेस करना है 51 से लेके 60 तक, फिर आपको बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे आपको क्या है, देखो फिर से उसी तरह से आपको टेंस एंड वन लिखना है। 6 टेंस एंड वन तो 61, फिर 6 टेंस एंड टू तो 62। इस तरह से आपको 61 से लेके 69 तक आपको ये कंप्लीट करना है। 6 टेंस और 9 तो कितना होता है 69। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग फिर से हमें फीडबैक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर से सिखा दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।